हेलो दोस्तों, आज मैं संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा सर का जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, मैं इन्हीं के बारे में कुछ अपनी अंदाज से बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई। दरअसल बात यह है कि संदीप महेश्वरी सर के चैनल में एक वीडियो अपलोड होता है जिसका टाइटल होता है स्टॉप स्कैम बिजनेस। संदीप महेश्वरी सर का सेशन पे बहुत सारे बच्चे आते हैं और सर से गाइडिंग लेने के लिए, उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए। उस दिन भी एक सेशन रखा गया था। उस सेशन पे एक्चुअल में उस वीडियो पे क्या दिखाया गया, मैं थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ ऐसा कुछ। मैंने फिर एनरोल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है ऐसा है, मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, एनरोल जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपये? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है हाँ यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हज़ार रुपये का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे, मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे मिलो किसी भी तरह। आपको कैसे पता ये बात, आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने। आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने मतलब 35 दिए, आपने 50 दिए, मतलब नहीं, बहुत सारे लेवल के, मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, मतलब स्टार्टिंग जो है। अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। बताओ, ऑल ओवर इंडिया में, मतलब आप अकेले तो हो नहीं, आपके जैसे और भी लोग होंगे, तो कितने होंगे नियर अबाउट जिन्होंने इस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? लाखों में ज्यादा होंगे। लाखों में? लाखों में नहीं, आई डोंट थिंक सो, इतने तो नहीं। हाँ सर, इतना ही है सर। मतलब आप कह रहे हो लाखों लोगों ने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का कोर्स ले लिया है? बिल्कुल। 50,000 × 1 लाख, मतलब 500 करोड़ रुपए। क्या करें सर, अगर आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहां पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े हैं। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है, पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अगर आप लोगों को वैल्यू लगती है इस कोर्स में, तब इसको सेल करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है। आपने देखा। अब उसके बाद संदीप महेश्वरी का चैनल पे कम्युनिटी पे एक पोस्ट आता है, मेरी टीम पर मेरे नए वीडियो को हटाने का बहुत दबाव है, मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हम इसे किसी भी हालत में नहीं हटाएंगे। दरअसल वीडियो में इस स्कैम का खुलासा करने वाले शख्स को अपना बयान बदलने के लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, हमारे पास सभी कॉल रिकॉर्डिंग है। मुझे लग रहा है कि ये बुरा होने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं यह स्टैंड हमारे समाज के लिए ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। इसके बाद क्या होता है कि विवेक बिंद्रा सर का कम्युनिटी पे पोस्ट आता है, उसे बताया जा रहा है स्टॉप स्कैम बिजनेस के ऊपर। चूंकि आपने पुष्टि की है कि यह मुझसे और मेरी कंपनी के संबंधित है, जो मुझे लगता है कि मुझे अपनी आधिकारिक आईडी से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए, ताकि दर्शकों को मन में कोई भ्रम न रहे। बात दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि विवेक बिंद्रा सर को इस वीडियो पे, जो संदीप महेश्वरी सर का जो वीडियो आपने देखा, इसमें आपको पता नहीं चला, और आप जाके उनका चैनल पे देख भी सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि इस पे जो बात बोला गया है किसी इंसान, किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर आरोप लगाया है। लेकिन बात यह होता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने इस बात को इस तरह से लिया अपने ऊपर कि ये बात, ये वीडियो मेरे ही ऊपर बनाया गया है और मुझे ही टारगेट किया गया है, जिसलिए विवेक बिंद्रा सर ने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट डाल के ये सारी बातें बताई। उसने आगे ये भी बताया कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया, जहां मैंने आपके हर सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। मैं इसी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर दर्शकों के मन में मुझे लेकर कोई सवाल है, तो मैं दोबारा आपके शो में आकर उस पर खुलकर चर्चा करने को तैयार हूं। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, क्या आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत है? कई बात आपने किसी कर्मचारी को डराने या धमकाने की, तो यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है।
यदि मेरे टीम में किसी ने ऐसा किया है तो कृपया रिकॉर्डिंग दिखाएं, मैं स्वयं कार्रवाई करूंगा। संदीप महेश्वरी सर जो बोल रहे हैं, मेरे घर पे कर्मचारी लोग भेज रहे हैं, बार बार लोगों को भेजा जा रहा है, मुझे धमकी दिया जा रहा है, तो विवेक बिंद्रा सर का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अगर मैंने किया है तो आपके पास अगर कोई रिकॉर्ड है तो आप लोगों को दिखाएं, मैं खुद उस पे मैं अपनी कर्मचारी पे कार्रवाई करूंगा। इसमें ये भी बताया है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। सर का कहना है, विवेक बिंद्रा सर का कहना है कि उसने जो भी कुछ किया है उसके पास रिकॉर्ड है। फिर वो आगे बताते हैं कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और मुझसे बात करने के लिए कई बार मेरा रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दिए। आपने मेरे बारे में 5000 से अधिक पॉजिटिव कमेंट्स हटा दिए। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। विवेक बिंद्रा सर आगे भी बोलते हैं, ये सच है कि मेरा स्टाफ आपके घर आए थे और इसके पीछे का उद्देश्य खुली बातचीत के लिए आपके साथ एक अपॉइंटमेंट। हम आपके स्वभाव को जानते हैं, इसीलिए जो कुछ हुआ उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। जहां तक वीडियो हटाने की बात है, तो बिना तथ्य के बोलने वाले और मौके का फायदा उठाने वाले प्रभावशाली लोगों को कानूनी नोटिस भेजना मेरा अधिकार है। आगे की बातचीत के लिए आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं है। उसके बाद संदीप महेश्वरी सर का कम्युनिटी पे एक पोस्ट और आता है। अब इससे क्या होता है कि विवेक बिंद्रा सर का नाम लिया जाता है। मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। संदीप महेश्वरी सर भी कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर आपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? आगे बताते हैं संदीप महेश्वरी सर की को पोस्ट में, डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं आपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। और आगे बताते हैं, और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। सारे यूट्यूबर्स छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, अब आपको खुलकर एक्सपोज करूंगा। आपका नाम लेकर आपका बड़ा बिजनेस के बारे में मैं खुलकर बात करूंगा। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियो और बनेंगे। उसके बाद संदीप महेश्वरी सर का कम्युनिटी पे एक पोस्ट और आता है, जिसमें होता है, जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन्हें कंघी बेचना कोई स्कैम नहीं है, यह एक एक्चुअल बिजनेस है। लेकिन एक गंजे व्यक्ति को एक 50 रुपये कंघी को दावा करते हुए, ये एक जादुई कंघी 50,000 रुपये का है जो एक महीने के भीतर उनके बाल उगा देंगे, ये स्कैम है। उस बेकार महंगी कंघी के पैसे वापस ना करना एक स्कैम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति से इसे दूसरे को बेचने के लिए कहना निश्चित रूप से एक स्कैम है। हमारे टीम ने मेरे वीडियो से उसका नाम डिलीट कर दिया, क्योंकि इसका उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी को टारगेट करना नहीं था। वह वीडियो सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया था, किसी तरह की विवाद के लिए नहीं। लेकिन उन्होंने सोचा कि हमने उनका नाम इसीलिए नहीं लिया क्योंकि हम उनसे डरते हैं, या उनकी पहली बड़ी गलती थी। और आगे बताया, उसने अपने लोगों को मेरे घर और ऑफिस भेजना शुरू कर दिया। क्यों? मैंने अपने पूरे जीवन में उनसे केवल एक बार बात की, वह भी उस दिन जब मेरी टीम ने उन्हें अपने स्टूडियो पे आमंत्रित किया था। वह ना तो मेरा मित्र है और ना ही शत्रु। वह मुझे क्यों डरा रहा था? इसकी आवश्यकता नहीं थी, या उनकी दूसरी बड़ी गलती है।
वह वास्तव में कुछ अपरिपक्व करने की योजना बना रही है या उसकी तीसरी सबसे बड़ी गलती होगी। अब क्या हुआ कि विवेक बिंद्रा सर ने एक दिन लाइव में आया, लाइव में आके जो है संदीश महेश्वरी सर के बारे में बताने लगा। विवेक बिंद्रा सर ने जो भी कुछ बताया है, जो भी सवाल किए हैं, बाद में जो अपलोड किए थे संदीश महेश्वरी सर वीडियो, उससे लेके मैं दोनों को कंबाइन कर दिया हूँ। आपके समय को बचाते हुए दोनों वीडियो को कंबाइन करके मैं आपके सामने रखा हूँ। अब दोनों को देखिए, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, मेरी अपनी राय दूंगा, लास्ट तक जरूर देखना। आपको मैंने किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा था, खाली हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें। मैंने आपकी टीम पर रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें भाई, दूसरी साइड भी सुन लेना। आपने क्या नंबर्स ब्लॉक कर दिए? थोड़ा जानो भाई, दूसरी साइड भी जानो, यही तो आपको कह रहा हूं मैं। क्या दूसरी साइड नहीं जानना चाहिए? एक साइड से बोल दो और पूरा परसेप्शन चेंज कर दो बाजार में। क्यों? क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं, उस प्यार का गलत फायदा उठाओगे आप। रिस्पेक्ट के साथ ही कर रहा हूं, कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा हूं आपसे, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से कर रहा हूं कि आपका जगह, आपकी ऑफिस, आपका टीम, आपका कैमरा, मुझसे सवाल करो आप, मैं आके जवाब दूंगा। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं, ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है, ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। आज ये 12 विश्व रिकॉर्ड, 110 ऑफिस, सैकड़ों एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है। हर साल हमारे को GST के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है। less than 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। आपने स्कैम बोला, कैसे बोला स्कैम आपने? अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जा करके किसी को बोलते हो कि कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती हूं, ले लो, कोई लेगा? 500 रुपए का लेगा? तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जीरो। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। अगर वो जरा सा भी बोल देता है मिससेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। एक वीडियो देखते हैं, उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। बड़ा बिजनेस है, अभी 5 दिन पहले 4 तारीख को, 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाए और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ, मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का, 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, DMT भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया, 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बारीक बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का, और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे, 48 घंटे ऐसे बोलते रहे बोलते, लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे एक सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके कोई किसी भी सीनियर का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सअप पे रिप्लाई दे रहे हैं, या पे कुछ पोस्ट हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। हमारे तो आपने प्राइस बता दिया कि हम ये प्राइस लेते हैं 50,000 रुपये का कोर्स, पर आप भी तो भाई 50 रुपये की, 200 रुपये की फ़ोटो का 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये लेते हो। प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपये की बेच रहा हूँ, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है, इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए, और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और
हमारा भी फायदा है, इसको बिजनेस बोलते हैं। अभी एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो अभी आप सोचना, अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं। भाई साहब ईमानदार हूं इसलिए आके आज जवाब दे रहा हूं आपको। एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले एक हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा, है ना? कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आ करके मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? 500 करोड़ का स्कैम है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। और ये पैसा किसका है? पब्लिक का है। और पब्लिक में भी एक बार को मान लो किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता, 18-19 साल के बच्चे का है जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते हैं। मेरा मकसद सिर्फ किसी एक पर्सन को टारगेट करना नहीं है, बल्कि सबको अवेयर करवाना है कि देखो दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है तो बच करके रहो। #StopVivekBindra, रोको इसको भाई। तो आपने पूरा वीडियो देख लिया, उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर समझ गए हैं। फिर भी मैं अब अपनी राय देना चाहूंगा कि एक्चुअल में दोनों में कौन सही है और कौन गलत है। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर से मैं इंस्पायर होता हूं। दोनों का ही मैं वीडियो देखता हूं, दोनों का मैं इज्जत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, गहरे दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, संदेश महेश्वरी सर का भी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का भी। एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ कि हमें जो है जो दिखता है वीडियो में, संदेश महेश्वरी सर ने जो कुछ बताया, जो कुछ विवेक बिंद्रा सर ने बताया, ये हमें दिख रहा है। एक्चुअल में इनकी अंदर की जो कहानी है ये क्या है, ये वो हम नहीं जानते हैं। या संदेश महेश्वरी सर सही है या गलत, विवेक बिंद्रा सर सही है या गलत, हमें वीडियो से पता चल रहा है। लेकिन अब एक्चुअल में कौन सही है कौन गलत, इनके लिए क्या हुआ कि ये केस जो है कोर्ट पे चला गया है। संदेश महेश्वरी सर को, अब विवेक बिंद्रा सर को कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है कि आप एक दूसरे के खिलाफ वीडियो नहीं डाल सकते हैं जब तक कोर्ट की सही राय ना आ जाए। तो ये चीज को हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर विवेक बिंद्रा सर ने गलती की है तो ये छानबीन उसके ऊपर हो रहे हैं। जो भी रिपोर्ट कोर्ट से आएंगे हम उन्हीं को मानेंगे। आजकल क्या हो गया ना कि दुनिया में लालच भरी पड़ी है, लोग लालची हो गए। जहां से भी कोई खबर आए कि भाई वहां पे तुमको इतना सारे पैसा मिलने वाला है, ये मिलने वाला, सिर्फ पैसे पे फोकस किया जा रहा है। पैसे पे फोकस मत करो भाई, आप खुद में देखो कि आप अगर 50,000 रुपया आपको ऑफर दे रहा है कि 50,000 रुपया आप पर मंथ कमा सकते हो, तो आप खुद में देखो कि मेरे अंदर 50,000 रुपये कमाने की एबिलिटी है। अगर आपको खुद पे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं तो ही आप करो, किसी दूसरे का लालच में मत जाओ भाई। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आगे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।